वेलकम फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट टू है अनबॉक्सिंग का। मैंने फर्स्ट पार्ट में डिजिटेक का रिंग लाइट को अनबॉक्स किया था और सेकंड पार्ट में हम लोग वायरलेस माइक को अनबॉक्स करेंगे। ये मैंने पूरा सेट साथ में लिया था, 6800 रुपीज का परचेस किया था ऑफलाइन मार्केट से। तो इसमें था रिंग लाइट जो मेरे पहले वो पार्ट में था, अब ये डिजिटेक का आप देख सकते हो, ये डिजिटेक का वायरलेस माइक है। तो आज हम इस पार्ट में इसको अनबॉक्स करते हैं। मेरे को पता नहीं इसके अंदर क्या है, ये तीन इसमें माइक निकलेंगे या रिसीवर निकलेंगे, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो एज ए फर्स्ट टाइम कैसा दिखता है, क्या होता है एक्सपीरियंस, मैं आपके संग इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलिए पहले बॉक्स को हम अच्छे से देख लेते हैं, बॉक्स के ऊपर क्या क्या लिखा है और क्या क्या इंस्ट्रक्शन बॉक्स पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है डिजिटेक प्रोफेशनल वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम। तो इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह के बारे में बताया गया है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस है, टाइप सी का फास्ट चार्जिंग है इसमें, अल्ट्रा क्लियर साउंड है, 360 साउंड कैप्चर करता है इसका, मिक्सिंग साउंड भी कर सकते हैं, लेता है जो भी है वो बाद में देखेंगे। डिस्टेंस इसका मेन डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस देख लेते 30 मीटर तक दिया गया, तो 30 नहीं आप ही मान सकते हैं 25 मीटर तक ये क्लियर आपकी वॉइस कैच करेगा रिसीवर इसका। अब नीचे इसका स्पेसिफिकेशन दिया है कि मैं पढ़ देता हूं। इसमें लिखा हुआ है क्रिस्टल क्लियर ऑडियो फॉर एनी टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएशन। आप कोई भी कंटेंट बनाए उसके लिए क्रिस्टल क्लियर ऑडियो आपको ये प्रोवाइड करेगा, और कैन बी यूज विद लैपटॉप, पीसी, डीएसएलआर कैमरास, एम्पलीफायर, डीवी कैमकॉर्डर, स्मार्टफोन, मिक्सर्स एक्सेट्रा। तो मल्टीपर्पज है, किसी के संग आप इसको यूज कर सकते हैं, जो भी डिवाइस आपके पास हो उसके संग कनेक्ट कर सकते हैं, और ये सुटेबल है आपका वीडियो शूटिंग के लिए। अब बॉक्स के साइड पे देख लेते क्या लिखा है। आइटम्स इसमें रिसीव होंगे, ट्रांसमीटर रिसीवर है ये, विंड मफ है दो, वन विद टू केबल है, डीएसएलआर केबल है, मॉनिटर ईयरफोन है दो, और टाइप सी केबल है। तो चलिए इसको जल्दी से, और लाइटनिंग केबल भी दिया है, यानी आप आईफोन वगैरह में इसको यूज कर सकते हैं, लाइटनिंग केबल इसमें दिया है। तो जल्दी से इसको खोल लेते हैं बॉक्स को। ये पाउच निकला अंदर से ब्लैक कलर का, ये ऐसा केस दिखता है इसका, केबल्स वगैरह है ये। क्वांटिटी चेक कर लेते हैं, जैसा कि उसमें लिखा हुआ था एविन मफ में दो, ये लाइटनिंग केबल आप देखो, ये 2 बिट केबल है, टाइप सी केबल है आपकी, अब हम माइक को निकाल लेते हैं। ये रिसीवर है इसका, ये ट्रांसमीटर है, और ये ट्रांसमीटर है, ये दो ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है, सबको करते हैं साइड केबल्स को। इसका कैटलॉग देख लेते हैं, कैटलॉग क्या है, और कुछ है कार्ड में, और कुछ नहीं है, और कुछ है केस में, और कुछ नहीं है। इंस्टॉलेशन गाइड वगैरह ये, अब इसको स्कैनर स्कैनर भी वगैरह दिया गया है इसमें कि इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, इसमें इंस्टॉलेशन के बारे में बताया गया है। तो पहले तो हम ट्रांसमीटर को ऑन कर लेते हैं, इसमें आप माइक लगा सकते हैं, जैक लगा सकते हैं, ये चार्जिंग पोर्ट है इसका, ये पावर ऑन ऑफ है, और म्यूट कर सकते हैं यहां से आप, ये हिंज है इसको फिक्स करने के लिए। चलिए इसको ऑन करके देखते हैं, इसका बैटरी लेवल है, ये मेरे ट्रांसमिशन कोई बटन होगा ये कनेक्ट करने के लिए, ये माइक का इसमें दिखा रहा कि माइक ऑन है। ये इसका रिसीवर मैं खोल देता हूँ, अब देखो कनेक्ट हो गया है, ब्लिंक नहीं कर रहा है, रिसीवर से कनेक्ट हो गया है। अगर आप दो लोग दो माइक यूज करना चाहते हैं ट्रांसमीटर, तो मैं इसको भी खोल देता हूँ, ये भी कनेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिएगा तीनों ये एक साथ पेयर अप हो गए, कनेक्ट हो गए, ये सब पे लिखा हुआ है, टैग लगा हुआ है, ये इसका कैमरा केबल है, ये इसका फोन का केबल है, और इसमें एक चीज और लिखी है, इससे चार्जिंग आपको नहीं करनी है, प्रोविड चार्जिंग इसमें लिखा, तो इससे आप चार्ज मत कर देना। और ये टाइप सी है आपकी, इसकी चार्जिंग केबल है, टाइप सी टू वे की है, ये टू वे यूएसबी है, ये इधर टाइप सी प्लस टू वे यूएसबी आपकी हो गई, और ये आपकी लाइटनिंग केबल है आईफोन्स के लिए, और ये इसके एयरफोन्स है, और ये विंड मफ है।
चलिए हम इसको आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं कि कैसे कनेक्ट होगी ये ट्रांसमीटर रिसीवर। अब मैं इसको आपको डीएसएलआर से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए डीएसएलआर है हमारे पास, मैं इसको पहले ऑन कर लेता हूँ। डीएसएलआर ऑन हो गया हमारा। अब जो हमको ये कैमरा केबल मिली थी, जो मैंने पहले बताया था कैमरा केबल आपको, तो आप कैमरा केबल को आप इंसर्ट करिएगा। इस देखिए डीएसएलआर का जैक दिया होता है, इसमें आप इंसर्ट कर देना ऐसे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। तो मैं जो मेरे मन में आ रहा है मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। जैसे हम लोग, आप लोग जानते हैं हम लोग की आदत होती है कि बस अपने आप इंस्टॉल करने की, और करते करते अपने आप चीज इंस्टॉल हो जाती है। तो मैंने रिसीवर पकड़ा और रिसीवर को हम यहाँ पर, ये देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया रिसीवर को। रिसीवर हो गया इसका कनेक्ट साथ में, और ये है ट्रांसमीटर। अब ये ट्रांसमीटर आप चाहे वहां लगा सकते हैं, ऐसे देखो लगा लिया मैंने। अब इसमें आप देख सकते हो वॉल्यूम की दी है, ये अप करने का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम लो करने का है। अब मैं आपको डीएसएलआर की रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ कि डीएसएलआर में ये माइक कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो डीएसएलआर के थ्रू मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। अभी डीएसएलआर के थ्रू रिकॉर्डिंग हो रही है और ये माइक कनेक्ट कर लिया मैंने। तो आप देखते हो बहुत से लोग ब्लॉग्स बनाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो वहां पर सामने वाले से अगर बात करते हैं तो एक माइक की और जरूरत पड़ती है। तो ये ट्रांसमीटर आप उनके कॉलर में आप इसको फिट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है और बहुत ही ईजी था। हालांकि मैंने जो कैटलॉग दिया था यूजर मैनुअल, इसको पढ़ा भी नहीं था, थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, इजिली वे में इंस्टॉल हो गया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।